शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों में निजी अस्पतालों से लोगों की लूट को रोकने और प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से निवेदन सौंपा गया, जिसके तहत नागपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कोविड काल में असली योद्धा डॉक्टर है, जो हर जगह अपनी बेहतरीन सेवा दे रही है। उनके प्रयासों की बदौलत हम इस महामारी का सामना कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अस्पताल प्रबंधन इस दौरान जनता को ठग भी रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी की ओर से शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि कोविड महामारी के दौरान सभी निजी और ट्रस्ट संचालित अस्पतालों के लिए सरकारी नियंत्रित दरों पर 100% उपचार देना अनिवार्य किया जाए। किसी भी अस्पताल में मरीज को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। इस संबंध में विदर्भ संयोजक एवं राज्य समिति सदस्य देवेंद्र वानखेड़े ने अधिक जानकारी साझा की। राज्य मध्ये महामारी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि या महामारी दरम्यान राज्यातील अनेक हॉस्पिटलनी खूप चांगली कामगिरी बजावली आहे। डॉक्टर्स आणि त्यांच्या स्टाफनी रुग्णांना चांगली सेवा दिली आहे, परंतु एक 20-30% असे हॉस्पिटल आहेत जे आजही जनतेची लूट करत आहे। सरकारने जो GR काढला होता, 80% रुग्णांना सरकारी दरामध्ये उपचार देण्यात यावा, परंतु जे नटोरियस हॉस्पिटल आहेत किंवा बदमाश डॉक्टर्स आहेत ते लोक 80% ऐवजी 20% लोकांना सरकारी दरात उपचार देत आहेत आणि 80% लोकांकडनं खाजगी किंवा बेवाजवी दर अवलंबून लाखो रुपयाचे बिल काढत आहेत। जे जनता राज्यातील संकटात आहे त्यांच्याकडून एवढे दर घेणे किंवा आर्थिक संकटात टाकणे हे चुकीचं आहे। म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये आम आदमी पार्टीकडून राज्यव्यापी हॉस्पिटल व्यवस्था सुधारण्याकरता निवेदन देण्याचा कार्यक्रम आहे। त्याअंतर्गत आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नागपूरला सुद्धा निवेदन दिलं आहे। आमचं म्हणणं आहे की सरकारी यंत्रणा चांगली करा आणि जे हॉस्पिटल जनतेची लूट करत आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावं, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे। धन्यवाद। इस दौरान विदर्भ के संयोजक एवं राज्य समिति सदस्य देवेंद्र वानखेड़े के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नागपुर के जिला कलेक्टर एवं नगर आयुक्त से भेंट की, जिस दौरान अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।